पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केजीएफ फ्रेंचाइजी और कांतारा जैसी फिल्में प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्शन कंपनी होमले फिल्म्स ने प्रभास स्टारर सालार पार्ट वन को भी प्रोड्यूस किया है। मेकर्स ने हाल ही में इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की है। फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। सुनने में आया है कि होमले फिल्म्स अगले 4 से 5 सालों में फिल्मों पर 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। कंपनी का फोकस सालार और यश स्टारर केजीएफ 3 पर रहेगा। होमले फिल्म्स ने तो अगले 2 साल का रोडमैप भी जारी कर दिया है। कंपनी का फोकस हर साल एक पैन इंडिया फिल्म देने पर है। इसी मकसद से वह इस साल सालार तो 2025 में केजीएफ 3 रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कंपनी इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस साल दिसंबर में करेगी। साउथ के ट्रेड के जानकारों के मुताबिक केजीएफ 3 को साल 2025 में क्रिसमस पर रिलीज किया जा सकता है। वह इसलिए कि इसकी शूटिंग अगले साल के सेकेंड हाफ तक शुरू होगी और साल के अंत तक की जाएगी। फिर पोस्ट प्रोडक्शन में वक्त जाएगा। ऐसे में उसकी रिलीज डेट साल 2025 के सेकेंड हाफ या फिर क्रिसमस तक जाननी तय है। केजीएफ 3 की शूटिंग शुरू करने से पहले यश दूसरे बैनर से एक फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे। यह फिल्म गोवा में 60 के दशक में रहे रशियन माफिया के दबदबे पर बेस्ड होगी। इस फिल्म की रेकी लंदन में चल रही थी। यश डायरेक्टर की टीम के साथ हाल ही में लंदन में थे। कुछ दिनों पहले ही वह वहां से वापस आए हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।